जय हिंद। आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानेंगे। इसी वीडियो में जानेंगे वाट घंटा या किलोवाट घंटा, या फिर अपने घर में आप कितनी बिजली खर्च हुई है उसको इसी वीडियो लेक्चर में जानेंगे, उसके लिए फार्मूला जानेंगे। अगर आपका विद्युत बल्ब या फैन या विद्युत हीटर या फ्रिज, अगर आपका उसका निश्चित समय मालूम है कि ये कितनी घंटे चल रहा है या जल रहा है, जलने का मतलब है विद्युत बल्ब आप जलाते हैं, ठीक है, फ्रिज चलाते हैं, हीटर जलाते हैं, तो इनका उपयोग कितने घंटे कर रहे हैं, कितने वाट के हैं, अगर दो चीज आपका पता हो तो आप यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपका एक यूनिट का दाम पता है तो आप बिजली का बिल भी बता सकते हैं उस फार्मूले से। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए कॉपी और कलम लेकर और हमारे साथ लग जाइए इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंत तक। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लगाते हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो ये देखिए हमारा विद्युत शक्ति हो गया, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या होता है? एकांक समयांतराल में खर्च किए गए विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यानी एक सेकेंड में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे ये देखिए तार है, ठीक है ना, तार। अब इस तार में आपको निकालना है ऊर्जा, तो एक सेकेंड में जितना फैन आपका चल जाए, एक सेकेंड में जितना फैन आपका चल जाए वही हो जाएगा विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। तो एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल में व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। फिर समझिए, एकांक समयांतराल में व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एकांक समयांतराल में, एकांक समय में या समयांतराल में खर्च किए गए, खर्च किए गए विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे माना टी समय में, खर्च की गई विद्युत ऊर्जा डब्लू हो, तो माना टी समय में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा डब्लू हो तो विद्युत शक्ति बराबर विद्युत शक्ति को पी से प्रदर्श करते हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा डब्लू बटे समय, ठीक है, बटे समय। तो यहां पर सूत्र हो जाएगा P बराबर W अपान T,
ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने W का कई सूत्र पढ़ा है। देखिए W का हमने क्या क्या सूत्र पढ़ा है, विद्युत ऊर्जा का पिछले वीडियो लेक्चर में, W बराबर वी क्यू, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर बी स्क्वायर टी अपान आर, ये हमने इतने फार्मूले पढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से W के मान इसमें रखेंगे तो P के मान मिलते जाएंगे। P बराबर W की वैल्यू ये रखिए, वी क्यू अपान टी बराबर, फिर W की वैल्यू यहां पर ये रखिए, वी आई टी अपान टी, ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर W की वैल्यू ये रखिए, आई स्क्वायर आर टी अपान टी, फिर W की वैल्यू ये रखेंगे, वी स्क्वायर टी बाई आर इंटू टी, तो ये टी ये टी और ये वाले टी कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मिल जाएगा वी क्यू अपान टी बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण, कुछ भी मान सकते हैं या फिर मत मानो। तो P का यहां पे एक दो तीन चार फार्मूले हमें मिलते हैं और इन सभी का मात्रक होता है वाट, वाट, क्लियर है। अब यहां से जानेंगे इसके पूरे मात्रक क्या होते हैं, यूनिट ऑफ P, यूनिट ऑफ P, P के क्या क्या मात्रक होते हैं। पहला मात्रक तो वाट होता है, दूसरा मात्रक, देखिए दूसरा मात्रक यहां से निकालते हैं, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तीसरा मात्रक अर्ग प्रति सेकेंड, अर्ग प्रति सेकेंड। अगला जो मात्रक है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अगला मात्रक है हार्स पावर एचपी, अगला मात्रक है मीटरी हार्स पावर, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। आप जानते हैं एक एचपी में, एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है ना। यहां पर हमने इसके मात्रक बताया वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, अर्ग प्रति सेकेंड होता है, किलोवाट घंटा होता है, हार्स पावर होता है, मीटरी हार्स पावर होता है, अदिश राशि एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। तो ये रहा हमारा विद्युत शक्ति, इसका ये डिफिनीशन, ये फार्मूला, इसके फार्मूले इतने होते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम में कैसे आते हैं जरा समझिएगा, इसमें एग्जाम में पूछेगा विद्युत शक्ति क्या है और इसका सूत्र सिद्ध करिए V और I के पदों में। तो आपको क्या करना है, ये डिफिनीशन लिख देना है, यहां तक ये सूत्र लिख देना है और फिर लिख देना है कि W बराबर वी आई टी, जब वी आई टी का मान यहां रखो, T से T कैंसिल, तो P बराबर हमें मिल जाएगा वी आई। तो हमारे पास P बराबर इतना बराबर, P बराबर ये भी होता है, P बराबर ये भी होता है, P बराबर ये भी होता है और P बराबर ये भी होता है। अब हम जानेंगे किलोवाट घंटा क्या होता है, उसके पहले जानेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम इस वीडियो में जानेंगे वाट घंटा के बारे में। वाट घंटा क्या होता है? वह ऊर्जा जो एक वाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में एक घंटे में ऊर्जा व्यय करता है उसे एक वाट घंटा कहते हैं। तो यहां लिखेंगे वह ऊर्जा जो एक वाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में एक घंटे में ऊर्जा व्यय करता है, उसे एक वाट घंटा कहते हैं। और आप जानते हैं कि एक वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10³ जूल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक वाट घंटा। अब हम जानेंगे एक किलोवाट घंटा क्या होता है। एक किलोवाट घंटा के बारे में समझते हैं। एक किलोवाट घंटा क्या है? तो वह ऊर्जा जो एक किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में, इसमें एक वाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में था, इसमें कहेंगे वह ऊर्जा जो एक किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में एक घंटे में ऊर्जा व्यय करता है उसे एक किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे वह ऊर्जा जो एक किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में एक घंटे में ऊर्जा व्यय करता है उसे एक किलोवाट घंटा कहते हैं। वह ऊर्जा जो एक किलोवाट वाले सामर्थ्य के परिपथ में घंटे में ऊर्जा व्यय करता है उसे एक किलोवाट घंटा कहते हैं। और एक किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10³ जूल। ये रहा इसकी वैल्यू, एक किलोवाट घंटा की वैल्यू ये है और एक वाट घंटा की वैल्यू ये है। अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। नोट फर्स्ट, अगर हमें यूनिटों की संख्या निकालनी है, वाट गुणे घंटा बटे 1000। ठीक है, ये सूत्र हम कब लगाएंगे? जब हमारे घर में
लगे विद्युत बल्ब का सामर्थ्य पता होगा कि वो कितने वाट का है और वो विद्युत बल्ब कितने घंटे जल रहा है उसका। जैसे क्वेश्चन ले लें हम, जैसे मान ले आकाश के घर में कोई आकाश नाम का लड़का है, आकाश के घर में 10 बल्ब लगे हैं, कितने बल्ब? 10 बल्ब। अब प्रत्येक बल्ब के सामर्थ्य 100 वाट है, फिर समझिए आकाश के घर में 10 बल्ब लगे हैं, प्रत्येक बल्ब का सामर्थ्य 100 वाट है, प्रत्येक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, तो बताइए 30 दिन के महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। क्वेश्चन को फिर समझिएगा, आकाश के घर में 10 बल्ब लगे हैं, प्रत्येक बल्ब का सामर्थ्य 100 वाट है, यानी एक बल्ब की शक्ति होती है 100 वाट, और प्रत्येक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जल रहा है, तो 30 दिन के महीने में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। तो देखिए अब हम यहां पे निकाल देते हैं, आप जान रहे हैं कि आकाश के घर में 10 बल्ब लगे हैं, क्लियर है 10 बल्ब, और एक बल्ब का सामर्थ्य है 100 वाट। तो देखो 10 एक बल्ब का सामर्थ्य 100 वाट, तो 10 बल्ब का सामर्थ्य कितना वाट होगा, यहां लिख देंगे 10 बल्ब का सामर्थ्य अगर निकालना है तो 10 गुणे 100 वाट हो जाएगा, यानी वाट बराबर 10 गुणे 100, यानी ये टोटल हो गया 1000 वाट। ठीक है, अब यह घंटा निकाल लेते हैं कितने घंटे चल रहा है, दिन में चल रहा है 10 घंटे और कितने दिनों तक चल रहा है, एक महीने तक निकालना है, 30 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 300। अब इसे सूत्र में रख दीजिए यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर वाट, वाट के स्थान पे 1000, ठीक है, घंटे के स्थान पे 300 बटे 1000, ठीक है, तो यहां पे 1000 से 1000 कैंसिल, यूनिटों की संख्या कितनी आ जाएगी 300 यूनिट। तो आप अपने घर की तो बिल बता ही सकते हैं, दूसरे का इससे मतलब नहीं, दूसरे का भी निकाल सकते हो। अब यहां तो मैंने केवल बल्ब का निकाला है, आप फ्रिज का, कूलर का, अलग अलग सबका निकालने के बाद सबको जोड़ देंगे तो सभी की यूनिटों की संख्या आ जाएगी। अगर यूनिट का दाम पता है 5 रुपये 7 रत, इसी में 5 या 7 रुपये जो भी यूनिट चल रहा हो उसका गुणा कर देंगे, 5 का 1500 बिजली के खर्च आ जाएगा महीने में। तो इस तरीके से यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है और इसकी पूरी जानकारी, ठीक है ना, अगले वीडियो लेक्चर में हम इस टाइप के कई सवालों को लेकर आपके सामने आएंगे। तो इतना आप अभी तक याद कर लीजिए ये सूत्र जो है, ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा वापस।